इंडिया होटेलियर एंड हॉस्पिटलिटी अवार्ड 2022 की धूम रही। देश भर के 231 होटलों को इस स्पर्धा में 20 होटलों और प्रबंधक कर्मियों को उनकी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया। नवी मुंबई चैम्बर्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित इस पुरस्कार समारोह में देश भर के होटल और हॉस्पिटलिटी से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख ने कहा कि होटल व्यवसाय बढ़ाने के लिए वो उनके साथ सदा खड़े रहेंगे। नवी मुंबई चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज को उन्होंने शुभेच्छा दी। देखिए कैसा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना से पूरा देश और स्टेट जूझ रहा था। होटल इंडस्ट्री ऐसा दिन पे दिन ख़त्म होते जा रही थी, लोग परेशान थे, टूरिज़्म का मामला आ गया था, टूरिज़्म देश में नहीं आ रहे, बहुत कम पैमाने पे आ रहे थे, देश का काम ठप हो गया था। और उस बीच में जो होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाइट बिल वैसा वहीं के वहाँ रह गया, टैक्स वहीं के वहीं रह गए, स्टेट की सरकार ने कोई किसी तरीके कोई मदद नहीं किया, सारी चीज़ों के उनके बर्डन रहने के बाद भी इन होटल वालों ने अपनी होटल को संभाला। अब कहीं जाके देश में फिर से टूरिज़्म आना शुरू हुए, लोग आ रहे, लोग जा रहे और अच्छे तरीके से वापस से सारी चीज़ें ठीक होते जा रही है। जैसे मुझे कहा कि गौतम जी ने कहा, बबलू जी ने कहा कि बिल्कुल आपको इस प्रोग्राम में आना है। आज आने का मेन उद्देश्य ये है कि सभी लोगों से मैं एक यूनियन क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जबकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, फिर भी होटल का नाता ये हाजी अराफात शेख का हमेशा रहा, क्योंकि होटल में कई हर जगह पे महाराष्ट्र में कई जगह पे यूनियन के माध्यम से होटलों के अंदर मेरे बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हर साल जाना पड़ता है, एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे, जितने भी यूनियन के माध्यम से हम जाते हैं, लोगों को न्याय देते हैं, उस वजह से भी हमारे इनके ताल्लुक रहते हैं। तो हर वक्त आंदोलन के माध्यम से नहीं, कहीं कि प्यार बांटने के लिए भी जाना चाहिए, देने के लिए भी जाना चाहिए। आज केंद्र में हमारी सरकार है, जो सरकार के माध्यम से नारायण राणे जी इसके ऊपर मिनिस्टर है, उस माध्यम से हम होटल इंडस्ट्री को क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं, हमारे इनको रोज़गार किस तरीके से बढ़ सकता है, टूरिज़्म कैसा देश में आएगा, किस तरीके से हम टूरिज़्म को बढ़ाएंगे, उसके लिए खासतौर पर आज इनको शुभेच्छा देने के लिए आया था ये हाजी अराफात शेख। केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है सारी की सारी योजना का लाभ इस होटल इंडस्ट्री को देंगे, कोशिश करेंगे। बैठे तो थे, हर एक अवार्ड तो ले रहे थे, लेकिन अंदर से कितने दुखी थे मुझे मैं जानता हूँ कि उनकी क्या परेशानी है, क्योंकि उन चीज़ों से मैं पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ। तो ये सारी चीज़ आज उनको खासतौर पर जब इन्होंने कहा, गौतम जी ने कहा कि मैं उसका चेयरमैन हूँ, हाजी भाई आपको आना है, आशीर्वाद देना है और उनका साथ देना है, तो बिल्कुल उनका साथ देने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से एक उनका सदस्य बोलकर, मैं उनका एक परिवार का व्यक्ति बोलकर आज यहाँ पे आया। इंशाल्लाह ताला जब जब ये होटल इंडस्ट्री के लोग मुझे आवाज़ देंगे, मैं और मेरी पार्टी इनके लिए अच्छे कामों के लिए इनकी सेवा में ज़रूर और ज़रूर हाजिर रहेगी। नवी मुंबई चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र गौतम पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज तकरीबन 21 अवार्ड दिए गए हैं। इंडिया होटेलियर एंड हॉस्पिटलिटी अवार्ड में सभी यशस्वी होटेलियर और हॉस्पिटलिटी लीडर्स उपस्थित थे। इस क्षेत्र के सभी पुरस्कार प्राप्त मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज होटल कैटेगरी और इंडिविजुअल कैटेगरी, जैसे हम होटल को भी सम्मानित करते हैं और वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी सम्मानित करते हैं, तो दोनों कैटेगरी मिला करके तकरीबन 20 कैटेगरी में हमने लोगों को सम्मानित किया है। बट ये सम्मानित भले ही 20 लोग हुए हों, लेकिन आप देखोगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से 231 नॉमिनेशन फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया हैज़ कम फॉर दिस होटेलियर एंड हॉस्पिटलिटी अवार्ड। एंड आउट ऑफ दैट थ्रू अ मंथ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएसन, जूरी प्रोसेस एंड शॉर्ट लिस्टिंग, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस 20 पीपल। ये 20 लोगों को हमने चूज़ किया है इन डिफरेंट कैटेगरी फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कस्टमर सर्विस एंड प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ऑफ कस्टमर सर्विस टू देयर गेस्ट एंड द कस्टमर्स। सो दैट इज द प्राइम क्राइटेरिया फॉर दैट। एज ए नवी मुंबई चैम्बर, इट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एंड एम्पावर ऑल द इंडस्ट्री, प्रमोट देम टू डू मोर एंड मोर बिजनेसेस, ग्रो देम एंड हेल्प देम एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दे हैव, क्रिएटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप इन द नवी मुंबई इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, हैविंग एनी चैलेंजेस रिलेटिंग टू एनी स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, एनी रिक्वायरमेंट दे हैव, तो वी हेल्प देम टू ग्रो देम मोर एंड मोर इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री।
आपने अभी पहली बार किया है नवी मुंबई चैम्बर में हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री। आपको पता है कि नवी मुंबई भी एक बहुत बड़ा एरिया है और इसके लिए हमको ये पहली बार हमारा शुरुआत है, लेकिन हम हर साल इसको करेंगे। और आप देखोगे कि पूरा लगभग 100 से ज़्यादा लोग आए हुए थे, दे आर ऑल फ्रॉम होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सारे बड़े बड़े जितने भी होटल हैं नवी मुंबई में, जितने 5-star 4-star होटल हैं, सबके जनरल मैनेजर और उनके डायरेक्टर्स मैनेजर्स एंड ओनर्स यहाँ पे आए हुए थे और दे हैव एंजॉयड दिस। तो इनके उत्साह को और बढ़ाने के लिए और इनके बिजनेस को और ग्रो करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और एवरी साल हम करेंगे और बड़े लोग लेवल पे करेंगे। ऐक्चुअली थैंक्स टू गौतम सर, माझं पूर्ण करिअर हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये होतं, 20 years ऑफ एक्सपिरियन्स इन हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री। आणि मी जेव्हा हॉटेल अवॉर्ड सेरेमनीला जायचो बॉम्बे, दिल्ली, बँगलोर आणि चेन्नई सिटीमध्ये, तर मी रिअलाइज केलं जेव्हा मी इथे 4 Points काम करत होतो ॲज अ डायरेक्टर ऑफ सेल्स अँड मार्केटिंग आणि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, की छोट्या सिटीजमधले जे हॉटेल्स आहेत त्यांना अपॉर्च्युनिटी आपण खूप कमी देतो आहे। आम्ही जेव्हा पण हॉटेल इंडस्ट्रीच्या अवॉर्ड्स घ्यायला जायचो तेव्हा आम्ही फक्त लक्झरी हॉटेल्स, मोठमोठे ब्रँड्स वगैरे त्यांची अपॉर्च्युनिटी मिळायची, आणि जे Tier 2 सिटीचे हॉटेल्स आहेत त्यांना कम्प्लिटली इग्नोर केलं जायचं। मग मी ही आयडिया आणि हा कन्सेप्ट, ही कल्पना सरांशी शेअर केली, आणि जेव्हा मी आता मी आय एम अ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट रिलेशन अँड रिलेशन ॲट नवी मुंबई चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, वेन आय शेअर दिस आयडिया विथ सर, जेव्हा मी आयडिया शेअर केली सरांबरोबर, तर आम्ही हा विचार केला की लेट्स हॅव अ अवॉर्ड सेरेमनी स्टार्टिंग फ्रॉम नवी मुंबई ॲज अ इंडिया हॉटेलियर अँड हॉस्पिटॅलिटी अवॉर्ड। आणि मी बघतो आहे की आता जो उत्साह आहे सगळ्या GMs आणि सगळ्या हॉटेलमध्ये इज व्हेरी हाय, सगळ्यांना नेक्स्ट इयर पार्टिसिपेट करायचं आहे जोराने, आणि सगळे GMs मला कमिटमेंट दिलेले आहे की आम्ही सगळ्या पीपल कॅटेगरीमध्ये आणि हॉटेल कॅटेगरीमध्ये आम्ही उत्साहाने पार्टिसिपेट करू आणि लुक फॉरवर्ड टू हॅव मोर अवॉर्ड सेरेमनीज इन अपकमिंग इयर। इयर बाय इयर आम्ही हा अवॉर्ड खूप मोठ्या लेवलला घेऊन जाऊ आणि इट इज यु नो आशा आहे आमची, we are doing our best. Thank you. So myself Pradeep Samant, I am the CEO for DR Auto. We are the dealership, authorized dealership for Skoda in Navi Mumbai. So we are associated, we are the sponsors for this event, and we are associated with this and Navi Mumbai Chamber of Commerce. So we have been associated with this, and this is a very good event wherein as far as the luxury and hotels are concerned, and Skoda is also into premium cars, so that is why we are associated, and this is a lovely event which is happening. Thank you very much. Bureau Report, FS News.